गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आप सभी का आर सी आई एज यू हैव केमिस्ट्री ऑनलाइन क्लास में स्वागत है बच्चों। तो बच्चों, लास्ट टाइम पे हम बात कर रहे थे परमाणु की तेजिया की, और आज हम बात करेंगे कि परमाणु की आयनन ऊर्जा क्या होती है। ठीक है बच्चों, तो आज का जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं आवर्त सारणी में, वो हम पढ़ेंगे आयनन ऊर्जा या आयनन विभव के बारे में। बच्चों, आयनन ऊर्जा को आयनाइजेशन एनर्जी या आयनाइजेशन पोटेंशियल भी बोलते हैं इंग्लिश में, तो हम बोलेंगे आईई या फिर आईपी। ठीक है बच्चों, बात करते हैं आयनन ऊर्जा की परिभाषा की। आयनन ऊर्जा जो होती है वो होती क्या आपके पास में, तो सबसे पहले इसकी परिभाषा हमें बोल सकते हैं बच्चों कि किसी विलगित गैसीय परमाणु से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए दी गई ऊर्जा, या फिर बोलें किसी विलगित गैसीय परमाणु के द्वारा इलेक्ट्रॉन निकालने के दौरान दी गई ऊर्जा या आवश्यक ऊर्जा आयनन ऊर्जा कहलाती है। क्या बोला हमने, किसी विलगित गैसीय परमाणु के द्वारा इलेक्ट्रॉन त्यागने या फिर बच्चों इसको बोल सकते हैं हमें देने, क्या बोलते हैं, त्यागने या फिर देने या फिर निकालने, या इसको हम क्या बोल सकते हैं, निकालने के दौरान दी गई ऊर्जा या फिर आवश्यक ऊर्जा आयनन ऊर्जा कहलाती है। ठीक है बच्चों, हमने क्या बोला, किसी विलगित गैसीय परमाणु से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए दी गई ऊर्जा या आवश्यक ऊर्जा आयनन ऊर्जा कहलाती है, और यह हमेशा एक ऊष्मा शोषी प्रक्रम होता है। बच्चों, आयनन ऊर्जा एक कैसा प्रक्रम होता है, एक ऊष्मा शोषी प्रक्रम होता है, हम बोलेंगे यह एक ऊष्मा शोषी प्रक्रम होता है, यह एक ऊष्मा शोषी प्रक्रम होता है। बच्चों, ऊष्मा शोषी का मतलब होता है अभिक्रिया की जो एंथैल्पी होगी डेल एच वो किसमें होगी, पॉजिटिव होगी आपके पास में, कैसे होगी, पॉजिटिव होगी। अभिक्रिया की जो एंथैल्पी, तो हम यहाँ पर लिख रहे हैं एंथैल्पी, एंथैल्पी का मान किसमें होगा, धनात्मक होगा, पॉजिटिव होगा। अगर आपके पास में डेल एच की वैल्यू नेगेटिव में आती है तो प्रक्रम होता है बच्चों ऊष्मा क्षेपी, और अगर डेल एच की वैल्यू आपके पास में पॉजिटिव आती है तो प्रक्रम होता है ऊष्मा शोषी। अब हम इस परिभाषा के अनुसार समझने की कोशिश करते हैं, यहाँ पर हम जो भी हमारे पास में एक एग्जाम्पल लेते हैं कि सर कैसे आप इस परिभाषा को समझा सकते हैं। तो देखिएगा बच्चों, हमारे पास में एक परमाणु है, देखो यहाँ पर क्या बोला गया, किसी विलगित गैसीय परमाणु, कैसा परमाणु लेना है हमें, गैसीय परमाणु। ठीक है, तो देखो यहाँ पर हमारे पास में एक परमाणु है ए, और इस परमाणु की अवस्था कौन सी हो जाएगी, गैस। जब भी बच्चों आपको इस प्रकार से छोटे ब्रैकेट में जहाँ पर भी किसी के साथ में एस लिखा मिले या फिर जी लिखा मिले या फिर एल, तो एस का मतलब होता है बच्चों सोलिड, सोलिड का मतलब होता है ठोस, जी का मतलब गैस, और लिक्विड मतलब द्रव होता है, क्योंकि किसी भी पदार्थ की तीन अवस्थाएं होती हैं बच्चों, ठोस, द्रव व गैस। कौन कौन सी होती हैं, ठोस, द्रव व गैस। इसका मतलब ये जो आपके पास में परमाणु दिया गया है ये गैसीय अवस्था में है, तो हमने यहाँ पर लिखा ये कैसा है, विलगित परमाणु है, विलगित गैसीय परमाणु। अब इससे बोला गया कि विलगित गैसीय परमाणु, देखो बच्चों इस परमाणु से इलेक्ट्रॉन निकालने हैं, और इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए इसको किसकी जरूरत है, ऊर्जा की जरूरत है, एनर्जी की जरूरत है, तो हम इसको कुछ एनर्जी देंगे, ये वाली जिसको हम नाम देंगे आयनाइजेशन एनर्जी। क्या नाम देंगे बच्चों इसको, आयनाइजेशन एनर्जी, आई। तो इस परमाणु को अगर हम ये ऊर्जा दे देंगे तो ये अपना एक इलेक्ट्रॉन त्याग देगा, कितना इलेक्ट्रॉन त्यागेगा, एक। अगर एक इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है तो इसको बोलेंगे आयनाइजेशन ऊर्जा फर्स्ट। तो देखो बच्चों, ये जो आपके पास में होगा ये क्या बन जाएगा, a q+, और यहां से कितना इलेक्ट्रॉन निकल गया, एक इलेक्ट्रॉन बच्चों बाहर चला गया।
अब आप ये बोलेंगे सर यहाँ पर तो गैसीय परमाणु था, यहाँ पर कैसा आ गया आयन आ गया, ऐसा क्यों? अरे बच्चों, जब भी किसी परमाणु से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं या तो वो इलेक्ट्रॉन देगा या फिर इलेक्ट्रॉन को लेगा, तो उस पर आवेश आएगा, आवेश आएगा धनावेश या फिर ऋणावेश, जो कि हमारे पास में जलीय माध्यम में बनते हैं, एक्वेटिक मीडियम में बनते हैं बच्चों, ठीक है। अब आपके पास में ये जो आयनन ऊर्जा जो होगी ये ऊष्मा शोषी होगी, कैसे होगी? ऊष्मा शोषी मतलब कि हमारे पास में ये एक ऊष्मा शोषी प्रक्रम होगा, ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि ये जो हमारे पास में आयन दिया हुआ है इससे एक इलेक्ट्रॉन और निकालते हैं बच्चों, तो हम इसको दोबारा ऊर्जा देंगे, इसको ऊर्जा की आवश्यकता पड़ेगी, तो हम क्या कर रहे हैं यहां से एक इलेक्ट्रॉन और बाहर निकाल रहे हैं बच्चों, तो ये क्या बन जाएगा ए प्लस टू, और कितना इलेक्ट्रॉन बाहर चला गया, एक इलेक्ट्रॉन और बाहर चला गया। इस दौरान हमने एनर्जी जो दी है इसको, जो ऊर्जा हम इसको दे रहे हैं वो क्या हो जाएगी आई ई टू, आयनन ऊर्जा सेकंड, ठीक है बच्चों। इसका मान भी क्या होगा ऊष्मा शोषी। अब हम एक इलेक्ट्रॉन और निकालते हैं इससे, कितना इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं बच्चों, एक इलेक्ट्रॉन और निकाल रहे हैं, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा ए क्यू प्लस थ्री, और कितने इलेक्ट्रॉन बाहर चले जाएंगे ए। तो बच्चों यहाँ पर जो हम ऊर्जा देंगे वो कौन सी देंगे आई ई थ्री, कौन सी ऊर्जा देंगे आई ई थ्री। तो बच्चों देखते हैं वापस से, किसी विलगित गैसे परमाणु, ये परमाणु कैसे है विलगित गैसे परमाणु, और इससे हमें इलेक्ट्रॉन निकालने हैं, तो हमें किसकी आवश्यकता पड़ रही है ऊर्जा की आवश्यकता पड़ रही है, तो ये जो ऊर्जा दे रहे हैं, ये जो ऊर्जा दे रहे हैं इसको बोलेंगे ऊष्मा आयनन ऊर्जा बच्चों, और ये आयनन ऊर्जा कैसी होगी आपके पास में ऊष्मा शोषी, मतलब ये ऊष्मा शोषी प्रक्रम होता है। अगर इससे एक इलेक्ट्रॉन जाएगा ए प्लस बनाएगा, फिर एक इलेक्ट्रॉन और निकाल दो ए प्लस टू, फिर एक और निकाल दो ए प्लस थ्री, इस दौरान दी गई ऊर्जा क्या कहलाएगी आई ई वन आई ई टू और आई ई थ्री बच्चों। अब हम ये बोल सकते हैं कि क्रमागत आयनन ऊर्जाओं का मान बढ़ता जाता है, क्या बोलेंगे क्रमागत आयनन ऊर्जाओं का मान। तो देखते हैं बच्चों क्या कहना क्या चाह रहा हूं, क्रमागत क्रमागत आयनन ऊर्जा का क्रम। तो बच्चों क्रमागत आयनन ऊर्जा का क्रम क्या होगा कि आई ई वन जो होगी वो लेस देन होगी आई ई टू से, और आई ई टू लेस देन होगी आई ई थ्री से। इसको हम बोलेंगे हिंदी में प्रथम आयनन ऊर्जा, द्वितीय आयनन ऊर्जा और तृतीय आयनन ऊर्जा। तो जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन निकालते जाओगे वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आपको ज़्यादा ऊर्जा की आवश्यकता पड़ेगी बच्चों, क्योंकि आप जैसे जैसे आप यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो परमाणु का आकार क्या होता जाएगा बच्चों, छोटा होता जाएगा, और जैसे जैसे परमाणु छोटा होगा तो नाभिक के पास आएगा, और नाभिक कैसा होता है धनावेशित होता है, और इलेक्ट्रॉन कैसे होता है बच्चों ऋणावेशित होता है। तो धनावेश और ऋणावेश मतलब नाभिक और इलेक्ट्रॉन बीच में क्या होगा अट्रैक्शन होगा, आकर्षण, मतलब कि उनके बीच में बहुत ज़्यादा प्रबल आकर्षण बल हो जाएगा, और वो बोलेगा परमाणु को मैं आसानी से इलेक्ट्रॉन नहीं दूंगा। अब बच्चों किसी के बीच में बहुत ही गहरी दोस्ती है, हम ये बोल सकते हैं बहुत ही अच्छा अट्रैक्शन है, बहुत ही अच्छा बल है, तो उस बल को तोड़ने के लिए हमें क्या करनी पड़ेगी उतनी ही ज्यादा ऊर्जा देनी पड़ेगी बच्चों। तो जैसे जैसे परमाणु का आकार छोटा होगा उन नाभिक के पास, तो देखो इलेक्ट्रॉन जो होगा नाभिक के पास में आएगा, तो नाभिक में इलेक्ट्रॉन के मध्य क्या हो जाएगा आकर्षण, और जितना ज़्यादा आकर्षण होगा हमें इलेक्ट्रॉन निकालना उतना ही मुश्किल होगा। हम ये बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए उतनी ही ज़्यादा ऊर्जा देनी पड़ेगी, अतः आयनन ऊर्जा फर्स्ट का मान कम होता है आयनन ऊर्जा सेकंड से और आयनन ऊर्जा थर्ड से बच्चों, ठीक है बच्चों। अब बात करते हैं कि आयनन ऊर्जा को प्रभावित करने वाले कारक, ये बच्चों दिया गया है आपके पास में कि किसी विलगित गैस या परमाणु से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आपसे ऊर्जा दी गई ऊर्जा आयनन ऊर्जा कहलाती है। ये बच्चों इसका एक क्रम हो जाएगा कि आयनन ऊर्जा कैसे निकालते सर, इससे आप एक इलेक्ट्रॉन निकालेंगे आई ई वन दे रहे हैं आप लोग, ठीक है, और क्रमागत आयनन ऊर्जा को मान लगातार बढ़ता जाता है आपके पास में, ठीक है बच्चों। अब आगे चलते हैं, आयनन ऊर्जा जो होती है ऊष्मा शोषी प्रक्रम होती है। अब हम बात करते हैं बच्चों आयनन ऊर्जा को प्रभावित करने वाले कारक, किसकी बात करेंगे आयनन ऊर्जा को प्रभावित करने वाले कारक, हम लिखेंगे आयनन ऊर्जा आई ई को प्रभावित करने वाले कारक, कि कौन कौन से फैक्टर हैं, कौन कौन से कारक हैं जो आयनन ऊर्जा को प्रभावित करते हैं बच्चों, कि सर कौन कौन से ऐसे कारक आएंगे जिससे आयनन ऊर्जा बढ़ेगी या फिर घटेगी। तो यहाँ पर जो हमारे पास में आ रहा है वो प्रभावित करने वाले कारक, सबसे पहले जो आता है वो आता है बच्चों आकार, क्या आता है आकार बच्चों। दूसरा जो आता है वो आता है जेड इफेक्टिव, हमने लास्ट लेक्चर में बात की थी जेड इफेक्टिव मतलब क्या होता है बच्चों नाभिकीय आवेश,
क्या होता है, नाभिकीय आवेश। उसके बाद हमारे पास में जो थर्ड पॉइंट जो आ रहा है बच्चों, आ रहा सिग्मा स्क्रीनिंग कॉन्स्टेंट, परिरक्षण प्रभाव। क्या आ रहा है? परिरक्षण प्रभाव। और नंबर चार पर जो आ रहा है बच्चों, वो आ रहा है कक्षकों का स्थायित्व। कौन सा आ रहा है बच्चों? कक्षकों का स्थायित्व, कक्षकों का स्थायित्व। कक्षकों का स्थायित्व का मतलब क्या होता है बच्चों? कक्षकों के स्थायित्व से मन मतलब है कि वे कक्षक जो आधे भरे हुए हों या फिर पूरे भरे हुए हों, उन कक्षकों का स्थायित्व बाकी बचे हुए कक्षकों की तुलना में क्या पाया जाता है? ज्यादा पाया जाता है। और बच्चों जिसका स्थायित्व जितना ज्यादा होगा उससे इलेक्ट्रॉन निकालना उतना ही क्या होगा? मुश्किल होगा। मतलब कि वहां इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए उतनी ज्यादा ऊर्जा देनी पड़ेगी। तो कक्षकों का स्थायित्व का जो क्रम होता है बच्चों, वो होता है H2, P3, P6, D5 और D10। अब देखते हैं बच्चों, आपके पास में पहला जो कारक दिया गया है वो आकार है। तो आयनन ऊर्जा जो होती है, आयनन ऊर्जा जो होती है वो आकार की क्या होती है बच्चों? व्युत्क्रमानुपाती होती है। यहाँ पर लिख रहे हैं हम लोग कि आयनन ऊर्जा जो होती है वो आकार की क्या होती है? व्युत्क्रमानुपाती होती है। जिसका जितना ज्यादा आकार होगा उसकी आयनन ऊर्जा उतनी क्या होगी बच्चों? कम होगी। हम इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। आवर सारणी में जब आप लेफ्ट से राइट जाते हैं बच्चों, तो आकार क्या होता है? कम होता है। और अगर आकार धीरे धीरे कम होगा तो इलेक्ट्रॉन आपके पास में पास आएंगे नाभिक के पास में, और आकर्षण बल क्या होगा? उतना ही ज्यादा होगा। तो इलेक्ट्रॉन निकालना क्या हो जाएगा? मुश्किल। और अगर इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल हो गया तो हमें ज्यादा ऊर्जा की जरूरत पड़ेगी बच्चों। तो हम क्या बोलेंगे? आयनन ऊर्जा जो होती है वो आकार के व्युत्क्रमानुपाती होती है। अगला जो सवाल हमारे पास में आ रहा है बच्चों, वो तीनों के तीनों में एक कॉन्सेप्ट है कि ये जो जेड इफेक्टिव है, आयनन ऊर्जा जो होती है आपके पास में वो जेड इफेक्टिव के क्या होती है बच्चों? समानुपाती होती है। क्या होती है? जेड इफेक्टिव के समानुपाती होती है। और यहाँ पर जो आयनन ऊर्जा जो होगी वो सिग्मा के क्या होती है बच्चों? व्युत्क्रमानुपाती होती है। और आयनन ऊर्जा जो होगी बच्चों वो कक्षकों के स्थायित्व क्या होती है? कक्षकों के स्थायित्व के क्या होती है? समानुपाती होती है। मतलब कि सबसे ज्यादा जो आयनन ऊर्जा होगी, हम अगर आयनन ऊर्जा क्रम की बात करें तो कौन से कक्षक की होगी बच्चों? D10, D5, P6, P3 और H2। ठीक है, अब देखते हैं बच्चों इसका मतलब क्या है आपके पास में, कि जितना ज्यादा आपके पास में बड़ा आकार होगा उसका जेड इफेक्टिव उतना ही क्या होगा? कम होगा। उसका सिग्मा क्या होगा बच्चों? उतना ही ज्यादा होगा। ठीक है ना, तो ये तीनों पॉइंट तो एक ही हैं, आपको एक ही याद करना है यहाँ से। और वो कौन सा करना है? आकार याद करना है। कौन सा याद करना है बच्चों? आपको आकार याद करना है कि सर आकार जो होता है वो आयनन ऊर्जा के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अगर किसी का आकार बढ़ेगा तो आयनन ऊर्जा क्या होगी बच्चों? घटेगी, क्योंकि आकार बढ़ने के साथ साथ इलेक्ट्रॉन की नाभिक से दूरी क्या होती है? बढ़ती है। अगर आकार बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन की नाभिक से दूरी क्या होगी बच्चों? बढ़ेगी। अगर नाभिक से दूरी बढ़ रही है तो उसका स्थायित्व क्या होगा? कम। और जिसका स्थायित्व कम है तो उससे हम आसानी से इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं बच्चों। और अगर आसानी से इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं मतलब कि हमें कम ऊर्जा की आवश्यकता पड़ रही है। उस परमाणु को हम ये बोल सकते हैं, थोड़े से लालच में ही मना सकते हैं बच्चों। लेकिन जिसका आकार कम होगा, जिसका आकार कम होगा तो बच्चों आकार कम तो इलेक्ट्रॉन व नाभिक एक दूसरे के पास पास होंगे और आकर्षण क्या होगा? उतना ही ज्यादा होगा। मतलब कि परमाणु ये मान के चलो कि थोड़े बहुत लालच से नहीं मानेगा, थोड़ी बहुत ऊर्जा से नहीं मानेगा, बोला मेरे को बहुत ज्यादा ऊर्जा की जरूरत है, मैं तो जब तक मेरे को इतनी ऊर्जा नहीं दोगे मैं इलेक्ट्रॉन नहीं दूंगा बच्चों। ठीक है, और यहाँ पर हमारे पास वो पॉइंट दिया है कक्षकों का स्थायित्व। हम ये बोल सकते हैं कि जिन कक्षकों का स्थायित्व, हम ये बोलेंगे अर्ध पूरित व पूर्ण पूरित, आधे भरे हुए कक्षक व पूरे भरे हुए कक्षकों का स्थायित्व बाकी बचे हुए कक्षकों की तुलना में क्या होता है? ज्यादा होता है। अतः इन कक्षकों की ऊर्जा का मान भी बाकी बचे हुए कक्षकों की तुलना में क्या पाया जाता है? ज्यादा पाया जाता है। तो हम बोलेंगे आधे भरे हुए व पूरे भरे हुए कक्षकों का स्थायित्व अपने से आगे वाले एक तत्व की तुलना में ज्यादा पाया जाता है, अतः इनकी आयनन ऊर्जा का मान अपने से आगे वाले एक तत्व से क्या होता है? ज्यादा होता है बच्चों। अब कुछ एग्जांपल्स करते हैं, यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स करते हैं बच्चों। देखिए जैसे मान लो आपके पास में एक उदाहरण दिया गया है, एक एग्जाम्पल आपके पास में है और एग्जाम्पल आपको दे दिया कि लिथियम, बेरिलियम,
बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन व नियोन। किसका है? नियोन है। हम ये बोल सकते हैं एक आवर सारणी में बच्चों सबसे ज़्यादा, एक आवर सारणी में सबसे ज़्यादा आयनन ऊर्जा का मान अक्रिय गैसों का पाया जाता है। किसका पाया जाता है बच्चों? अक्रिय गैसों का पाया जाता है। ठीक है बच्चों, बाकी बात हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू क्लास।